नरेंद्र मोदी जब आप 2014 में लोकसभा में चुनाव लड़ रहे थे, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन आज ये सरकार खुले तौर पे संसद में बैठ के ये बोल रही है कि मैं सब कुछ बेच दूंगा। अरे शर्म करिए मोदी जी, शर्म कर तारा भी तारा। थोड़ा सा कहावत है कि मतलब चुल्लू भर पानी में डूब मरो मोदी जी, डूब मरिए चुल्लू भर पानी में। आप अपने तो किसानों के पहले टॉयलेट बंद कर दिया, बिजली बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, अब इंटरनेट बंद कर दिया और बोल रहे एक कॉल का दूरी है। अगर हिंसा हम किए हैं तो आप हमें गिरफ्तार कीजिए, क्यों नहीं करते हैं? ये जो गोबर खाता है और गाय का मूत पीता है वो मोदी का साथ है, जो अन्न खाता है और गाय का दूध पीता है वो किसानों का साथ है। आप बंगाल चले जाते हैं, बंगाल चले जाते हैं और 10 किलोमीटर दूरी पर गाजीपुर बॉर्डर है, यहाँ नहीं आते क्यों? क्यों? आपको प्यार पाकिस्तान से, इसीलिए। जिस तरीके से अंग्रेजों को हमने भगाया उसी तरीके से ये मोदी सरकार को तख्ता पलट करेंगे और ये कृषि कानून रद्द करवाएंगे। देश भर में किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। लगातार 2 महीने से भी ज़्यादा समय से जो किसान आंदोलन है वो चल रहा है, लेकिन सरकारें अभी तक सो रही हैं। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, बजट पेश करते हैं, लेकिन किसानों के लिए कोई नहीं बोलता है। इतने किसानों की शहादत हो गई है बॉर्डर पर, लेकिन सरकार जो है अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है बिल वापस लेने के लिए। दो खास लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या लग रहा है बजट में आज किसानों के लिए कुछ खास है? देखिए बजट वही बजट है कि रेल नहीं बेचेंगे, ट्रेन नहीं बेचेंगे, एयर हाउस नहीं बेचेंगे, लेकिन मिट्टी इस देश की देश बिकने नहीं देंगे, वही मोदी जी का जुमला है। और इस बजट से ना किसानों की भलाई हो रही है, ना युवाओं की भलाई हो रही है, ना इस देश के आम नागरिक को कोई फायदा है। यह सीधे तौर से बजट और अडानी और अंबानी और कॉरपोरेट घरानों का लोक है। अब बताइए ना, आज किसान 3 महीने से बैठे हुए धरने पर, उनको एक शब्द नहीं बोलना चाहिए, एक ट्वीट नहीं करना चाहिए? शर्म करिए मोदी जी, आप मन की बात करते हैं, मन की बात अब जसोदा बहन जी से कीजिए गुजरात जाकर, किसानों की बात कीजिए, क्योंकि किसान 3 महीने से खुली आसमान के नीचे आंदोलन कर रहा है अपने मांगों को लेकर, और आप मांग पूरी नहीं कर रहे। कह रहे किसानों की आय दोगुनी होगी, आय क्या दोगुनी होगी? आप तो किसानों के ऊपर काला कानून थोप रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी नहीं होगी बल्कि आत्महत्या करने की दर दोगुनी हो जाएगी। डेढ़ गुना बनाने के लिए दिया तो है, अभी की डेढ़ गुना बढ़ा देंगे। अरे मोदी जी का जुमला है, हर चीज जुमला है। आप सोचिए ना, कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, किसान खुशहाल हो जाएगा, मालामाल हो जाएगा, लेकिन किसान रोड पर आ गया, युवा सड़क पर आ गया, महिलाओं के साथ आप देखे हाथरस में क्या हुआ। कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार अपने देश के आम नागरिकों के बारे में सोचती नहीं है बल्कि कॉरपोरेट घराने के बारे में सोच रही है, और ये सरकार को उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है, नहीं तो ये सरकार हम लोगों को गुलाम बना देगी, क्योंकि हर चीज़ को ये अडानी और अंबानी के हाथों में बेचना चाह रही है। आप देखिए ना, सेव स्टिकर आप देख लीजिएगा, सेव पर अडानी का स्टिकर रह रहा है। सेव का विरोध क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि सेव सब लोग नहीं खाते हैं, केवल अमीर लोग जो 10% लोग है देश का वो खाते हैं। लेकिन उसी तरीके से जब अनाज को कर देंगे, चावल को कर देंगे, आटा को कर देंगे, गेहूं को कर देंगे, ये तो देश की 90% 100% आदमी की जरूरत है, इसको आप अडानी और अंबानी के हाथों में नहीं कर सकते हैं मोदी जी। ऐसी सरकार को मोदी जी कहीं ना कहीं देश के आवाम को नहीं देखकर 2-4 पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये बजट पेश किए हैं। संसद में निर्मला सीतारमण कह रही है कि MSP बरकरार रहेगी, उसी पर खरीद होगी। देखिए आज जो मौजूदा बजट सत्र है, एक तो ना आज पहला इतिहास में पहला ऐसा है कि संसद जब बजट पेश हो रहा था वहाँ ना गरीब किसान ना मजदूर की, वहाँ जमीन बेचने की बात हो रही थी। आज जो ऐसा है, बैंक IDBI बैंक और नेशनल इंश्योरेंस दोनों खुले तौर पर बेचने की बात कर दी गई। मौजूदा सरकार यही कहती थी नरेंद्र मोदी जब आप 2014 में लोकसभा में चुनाव लड़ रहे थे, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन आज ये सरकार खुले तौर पे संसद में बैठ के ये बोल रही है कि मैं सब कुछ बेच दूंगा। आज की स्थिति है, यही सरकार जब नोटबंदी में ये कहती थी कि हम जो अभी जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको हम जेल भेजेंगे, लेकिन आज यही मौजूदा सरकार ये कह रही है कि जो टैक्स चोरी कर रहे हैं उनके लिए हम
केवल 3 साल तक 3 साल की जांच कर सकते हैं। मतलब इससे पहले जो 6 सालों से आपके लोग विधायक और सांसद जो बैठे हुए हैं, अब उनका आप कोई टैक्स पेयर जो चोरी कर रहे हैं वो जांच नहीं करेंगे। 50 लाख से ऊपर ये कह रहे हैं कि हम 6 साल से ऊपर, पहले 6 ईयर था, ये चीजें इन्होंने कम कर दी। इसका मतलब जो इनके सरकार में, इनके मौजूदा सरकार में जो इनके विधायक और सांसद भेजे हुए हैं जो भ्रष्ट हैं, उनको ऐसा कर दिया गया कि सिर्फ और सिर्फ आप 3 साल की टैक्स। डिजिटल इंडिया क्या है? डिजिटल इंडिया यही है कि आप यहाँ नेट नहीं चल सकता है। अगर जियो आपको कॉरपोरेट दे दिया जियो नेट, यहाँ एयरटेल यूजर के कुछ नेट चलते हैं लेकिन जियो का नहीं नेट चलता। आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आप समझिए यही सरकार जब थी। आज 74% FDI इन्होंने आप वो किया, 74% FDI हम इंश्योरेंस पे कर देंगे, पहले 49% था। यही सरकार जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 29% से जब 34% की थी, तब यही RSS, यही जो बजरंग दल है, इन्होंने विरोध किया था। ये कह रहे थे 34%, क्योंकि देश का अगर व्यक्ति मैं कमा रहा हूँ तो ये विदेश में क्यों पैसा जाए। लेकिन ये सरकार सिर्फ और सिर्फ तानाशाही पे उतर आई है कि हमारे पास 325 सीट है लोकसभा में, हम जो मर्जी वो करेंगे। किसान सड़क पे बैठा, हम किसान को बिल नहीं पारित करेंगे, वापिस करेंगे। सरकार कैसी है? ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाह पे बैठी हुई है सरकार। आज के बजट आप समझिए, मोदी जी मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी इज द मास्टरबेशन डूइंग राइट नाउ। मोदी जी ये कर रहे हैं इस समय, और कुछ नहीं है। एक जो मतलब नॉर्मल आदमी है, जो एक व्यक्ति शादीशुदा नहीं है, वो वही कर सकता है, उसकी और कोई सहूलियत नहीं है। वोट देने पे, वोट आपने सही पूछा, वोट देने के वक्त, वोट देने के वक्त वो सरकार जुमलेबाजी की थी, एक ब्रांडिंग की गई थी, ऐसा ब्रांडिंग, ऐसी भ्रांतियां लोगों को फैलाई गई थी जो आज गोदी मीडिया, क्योंकि अगर आप नए हैं मार्केट में, पहले आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा समझने में वक्त लगता है। इस सरकार को समझने में, जब ये सारी चीजें हमें हमारे ही कॉरपोरेट को दे रही, हमारे पैसे मेहनत की कमाई हुई, एक व्यक्ति अगर आज 10 रुपये कमाता है, 10 रुपये का चावल बेचता है, वही 4 बार चावल पॉलिश होके और ये चीजें कंपनियां कॉरपोरेट 200 रुपये में बेचती हैं, गरीब कहां जाएगा, मजदूर कहां जाएगा? आज ऐसा पहला सत्र है जिसमें गरीब और मजदूर की बात नहीं हुई है। ये सरकार सिर्फ ताना सा बड़े बड़े लोगों के उद्योगपतियों की बात की है मौजूदा स्थिति में। प्रधानमंत्री कह रहे हैं किसानों और मेरे बीच एक फोन कॉल की दूरी है। अरे शर्म करिए मोदी जी, शर्म कर तारा भी तारा। थोड़ा सा कहावत है कि मतलब चुल्लू भर पानी में डूब मरो मोदी जी, डूब मरिए चुल्लू भर पानी में। आप इंटरनेट बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि एक कॉल की दूरी है। शर्म आना चाहिए मोदी जी, आपने तो किसानों के पहले टॉयलेट बंद कर दिया, बिजली बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, अब इंटरनेट बंद कर दिया और बोल रहे एक कॉल का दूरी है। किस लिए, क्या दूरी है? ये प्रस्ताव दे रहे हैं कि जो हमारी सरकार पहले प्रस्ताव दी थी 1.5 साल के लिए स्टे करने के लिए, उसी के लिए कॉल कर रहे हैं, इसी के लिए नहीं कर रहे हैं? तो किसानों ने पहले भी कह चुका है कि हम स्टे को नहीं मानते हैं, संशोधन को नहीं मानते हैं, तो कॉल किस बात की? आप खुले तौर से क्यों नहीं कहते हैं कि तीनों कानून, तीनों कृषि कानून रद्द हो जा रहा है, MSP पर कानून बन रहा है, किसान अपने अपने घर चले जाएंगे, किसान, और दूसरी बात, किसान अपने अपने घर चले जाएंगे। आप बंगाल चले जाते हैं, बंगाल चले जाते हैं और 10 किलोमीटर दूरी पर गाजीपुर बॉर्डर है, यहां नहीं आते हैं। क्यों? क्यों? आपको प्यार पाकिस्तान से, इसीलिए नवाज शरीफ के यहाँ प्रोग्राम होता है तो बिरयानी खाने चले जाते हैं पाकिस्तान, लेकिन किसानों से मिलने नहीं जा रहे हैं। यही आपका देशभक्ति, पाकिस्तान से प्यार कर रहे हैं। जब अंबानी के घर में बच्चा पैदा होता है तो झुंझुना लेके चले जाते हैं खिलाने के लिए, खोलो खेलो, और ये किसान यहाँ बैठा हुआ, इनसे नहीं मिलने आ रहे हैं। यही है आपका देशभक्ति। जब आप अपने आप को देशभक्त चैनल बोलते थे, अन्नम गोस्वामी, देखिए ना उसका क्या हाल हुआ। उसी तरीके से ये मोदी सरकार कहीं ना कहीं घमंड में चूर है और किसानों के बारे में नहीं सोच रही है। तो उससे भी कह देते हैं कि तुम्हारा हम पुलिस से नहीं ना डरे थे, तूने फ्लैग मार्च करवाया तो हमने नहीं डरा, ये आंदोलन बढ़ गया। उसी तरीके से ये आंदोलन बहुत बड़ा विकराल रूप लेने जा रहा है और जहां से ये कानून पास हुआ है वहीं हम लोग पहुंचेंगे लोकसभा और मोदी सरकार को बताएंगे और देखेंगे कैसे ये मोदी सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेती है। शर्म करें मोदी सरकार, अभी भी वक्त है, नहीं तो वही हाल हो जाएगा। बिहार में कहावत है कि एक चोर को पुलिस पकड़ के लेकर आया, पूछा तुम 10 जूता खाओगे चोर से कि 10 प्याज खाओगे,
तो चोर ने कहा 10 प्याज खाएंगे। जब प्याज खाने लगा तो 5 प्याज खाते खाते बोला हमको तीता लग रहा, प्याज नहीं खाएंगे जूता खाएंगे। तो क्या हुआ चोर के साथ? प्याज भी खाया जूता भी खाया। वही हाल होने वाला है मोदी जी के साथ, जूता भी खाएंगे और कृषि कानून भी रद्द होगा और MSP पर कानून भी बनेगा। 26 जनवरी में जिस तरीके से लाल किले पर जो तस्वीरें सामने आई किसानों की, बहुत थूथ हुई और नेशनल मीडिया चला रहा है कि देखिए ये किसान नहीं है, ये वही थे जिन्हें सरकार बता रही थी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए 26 जनवरी की जो घटना हुई उसकी हम नहीं पूरा देश उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है, लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है आप एक चीज समझिए, जो लाल किला है वो कोई एक घर नहीं है, वो एक महल नहीं है, वो एक किला है। लाहौरी गेट जो है वहां से अगर देश का प्रधानमंत्री ध्वज फहराने जाता है तो भी उसी रास्ते से जाते हैं, अगर एक आम जनता जाती है तो भी उसी रास्ते से जाते हैं। वो ऐसा एक किला है जो युद्ध के तोपों से ही खुल सकता है, लेकिन ये मौजूदा सरकार आप एक चीज समझ लीजिए, बॉर्डर से आ रहे होंगे तो यहाँ पे चारों तरफ बैरिकेडिंग और इतने इतने ऊंचे ताल लगा दिए गए हैं। उस वक्त जब देश में 26 जनवरी पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था तब यह सरकार उस समय प्रशासन कहाँ सोया हुआ था कि उन चीजों को कमजोर कर रहा था। यह सरकार यह सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र था यह कमजोर करने की चाशी थी इस सरकार की। यह सरकार आज अगर कोई भी व्यक्ति उसका अगर दोषी है तो उसको सलाखों को पीछे क्यों नहीं भेजना चाहिए? अगर मैं उसका दोषी हूँ तो हम मुझे फांसी के फंदे पे क्यों नहीं चढ़ा देते हैं, चढ़ाना चाहिए? ऐसी सरकार अभी क्यों चुप है? अगर उसमें दीप सिंधु का नाम आया तो वो सरकार उस पे चुप भी क्यों साधी हुई है? सरकार अपने अहंकार में पड़ी हुई है और ये तानाशाही, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, इसको घुटने टेकने पड़ेंगे और सरकार टेकेगी। एक बात जो आपने कहा 26 जनवरी को, मैडम एक काम कीजिए ना, मेरा हेमा मालिनी के साथ फोटो खिंचवा दीजिए। एक अमित हेमा मालिनी के साथ मेरा एक फोटो है, आपका है? सनी देओल के साथ आपका फोटो है? मेरा है। अमित शाह का फोटो है आपके साथ? सुनिए ना, ये जो दीप सिद्धु कौन है, कौन है? हेमा मालिनी के साथ फोटो खिंचवाता है, सनी देओल के साथ फोटो खिंचवाता है, मोदी जी के साथ फोटो खिंचवाता है, अमित शाह के साथ फोटो खिंचवाता है। ये BJP का लोग है और RSS का लोग है और ये किसान आंदोलन को बंद बदनाम करवाने के लिए ये सब सोची समझी साजिश थी। इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए BJP ने गंदी राजनीति करके वो अपने लोगों को लाल किला भेजी थी। आपको पता है यहीं से हम 26 जनवरी को गए थे और हम लोग शांति पूर्वक से गए, कहीं कुछ नहीं हुआ। और लाल किला पे कैसे घुस गए? लाल किला कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार अपने गंदी राजनीति पे उतारी हो चुकी है और इस किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए किसी हद तक गुजरने के लिए तैयार है। लेकिन एक बात सुन लो, नदी का रास्ता पहाड़ कभी नहीं रोक सकती है, नदी अपना रास्ता पहाड़ को चीर कर बनाता है। उसी तरीके से यह आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा, आंदोलन तभी खत्म होगा जब हमारी मांग पूरी हो जाएगी। और तुम बदनाम कर लो जितना करना है। और रजत शर्मा इंडिया टीवी के चिरपा त्रिपाठी आज तक वाली बोल रही थी किसानों की आखिरी रात है। तुम इंडिया टेट एंकर हो, तुम एंकर हो या भाजपा के प्रवक्ता हो? नहीं, तुम पूछना चाहते हैं रजत शर्मा से, तुम एंकर हो, पत्रकार हो कि इंडिया भाजपा के प्रवक्ता हो? ये जो गोदी मीडिया है ना, IT सेल है भाजपा का, ये भाजपा की बात बोल रही है। इन सबको इस देश से भगाने की जरूरत है। जो देखिए, जो गोबर खाता है और गाय का मूत पीता है वो मोदी का साथ है, जो अन्न खाता है और गाय का दूध पीता है वो किसानों का साथ है। हम अन्न खाते हैं और गाय का दूध पीते हैं इसलिए किसानों के साथ खड़े हैं और हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई लंबा चलेगा और हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होगी लड़ाई इसी तरह चलेगा। मीडिया वाले चला रहे हैं कि पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, पुलिसकर्मियों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन किसानों की कहीं जिक्र नहीं, किसानों की मौतें हुई। हमारे जो 26 जनवरी के 400 से ज्यादा पंजाब और हरियाणा के किसान जो लापता है, आखिर वो सरकार कहाँ सोई हुई है? वो सरकार को नहीं ध्यान आ रहा है? वो बिना FIR बिना चीजों के उन्होंने उनको गिरफ्तार किया हुआ है, अभी तक कोई इस सरकार ने उसका ब्यौरा नहीं दिया है। पहले इस किसान की जमीन गाजीपुर से इस सरकार और
प्रशासन को संदेश है कि पहले आप उसका ब्यौरा दीजिए, और अगर उस किसान आंदोलन में, जो किसान आंदोलन से अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई हिंसा नहीं किया है, अगर हिंसा हम किए हैं तो आप हमें गिरफ्तार कीजिए। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये सरकार की साजिश थी और सरकार षड्यंत्र रचना चाहती थी। ये जो चारों बॉर्डर आप इधर से पैदल आएंगे, ऐसे गड्ढे खोद दिएंगे, आप रात में गिर जाएंगे। ये सरकार क्या अहंकार है कि लोग पहुंच ना पाए? क्योंकि ऐसा जनादेश, ये जनादेश देखकर सरकार कमजोर पड़ रही है और पूरी तरह से इसका अहंकार टूट रहा है। क्योंकि आज का जो मौजूदा स्थिति है बजट सत्र में, ये साफ साफ जाहिर हुआ है सरकार को कि अच्छा जिस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, लग रहा है कि सरकार डर गई है आप लोगों से, क्योंकि आपका मार्च का ऐलान था आज। बिल्कुल, ये सरकार डर चुकी है, अब अपने अपने षड्यंत्र को रच रही है। पहले नंदकिशोर गुज्जर को भाजपा के गुंडा को भेज रही है आंदोलन खाली करवाने के लिए, पुलिस को आगे कर रही है, एनआईए को आगे कर रही है, सीबीआई को आगे कर रही है, किसानों को गायब कर रही है और किसान नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। यह सरकार बिल्कुल तरीके से यह जन आंदोलन देखकर डर चुकी है। अब थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बस यही सरकार कदमों के नीचे घुटने टेकेगी और किसानों से कहेगी हमको माफ कर दो, हमसे गलती हो गया, आपका कृषि कानून रद्द कर रहे हैं और एमएसपी पे कानून बना रहे हैं। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए मैम, बस थोड़ा सा। ये मोदी सरकार, देखिए जब सीता जी को रावण ने अपहरण किया था तब बोलता था कि हम सीता जी को नहीं देंगे, नहीं छोड़ेंगे। जब अंग्रेज हमारे देश को गुलाम किए थे तो बोलते थे अंग्रेज इस देश से हम नहीं जाएंगे। उसी तरीके से ये मोदी सरकार, नरेंद्र सिंह तोमर, अमित शाह बोल रहे हैं ये कृषि कानून नहीं होगा। आप रुकिए ना, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। यह मोदी सरकार, जिस तरीके से अंग्रेजों को हमने भगाया, उसी तरीके से यह मोदी सरकार को तख्ता पलट करेंगे और यह कृषि कानून रद्द करवाएंगे। तो देखा आपने, किसानों के हौसले सातवें आसमान पर है। कानून वापसी की जो मांग है वो भी अभी लगातार बनी हुई है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने किया है कि किसानों और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में एक फोन कॉल की दूरी है। एक तरफ तो फोन कॉल की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो जहां धरना हो रहा है, जहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहां पर नेट बंद कर दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री का डिजिटल इंडिया देख लीजिए आप। न्यूज़मैक्स के लिए कैमरामैन फैज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़मैक्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।